आज हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़ा हमारे पास फोर लेयर में फोल्ड होना चाहिए। ये सिंगल अर्ज में कपड़ा था और फिर मैंने सिंगल अर्ज को डबल किया और एक बार फिर हम इसको डबल करेंगे क्योंकि हमने इसकी चार लेयर बनानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो कपड़ा है ये प्रिंटेड कपड़ा है। कई बार प्रिंटेड कपड़ा होता है उसमें फ्लावर होते हैं, कई बार पत्तियां भी होती हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान से उसकी कटिंग करनी होती है। जैसे ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हमने जो बाजू की गुलाई है वो इस साइड से लेनी है। पत्तियाँ ऊपर से जा रही हैं तो हम इधर से गुलाई लेंगे, हम इधर से नहीं लेंगे। अगर आप इधर से गुलाई लेते हो तो पत्तियाँ नीचे की तरफ हो जाएंगी, तो हमने थोड़ा देखकर ध्यान से कटिंग करनी होती है। कई बार फ्लावर भी होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्लावर उल्टे हो जाएं, तो हमें ध्यान से थोड़ी कटिंग करनी होती है। तो हम इधर से बाजू की गुलाई लेंगे। बाजू की जो गुलाई तैयार है वो 5.5 इंच है, तो हम 5.5 इंच लेंगे। हमने खुली तरफ से निशान लगाने होते हैं, जो भी निशान लगाने होते हैं, बंद साइड से हमने नहीं लगाने। 5.5 पे हम लगाएंगे। और जो बाजू की लेंथ तैयार थी वो 14 थी, तो मैंने 16 लिया है क्योंकि 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिया, 1/2 इंच है जो मोटे की सिलाई में आएगा और 1.5 इंच जो है बाजू की गुलाई में फोल्ड होगा। तो आपकी जितनी भी बाजू तैयार हो आप उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें कपड़ा। अब हम इधर मोटे की तरफ से 3 इंच डाउन करेंगे और जो भी आर्म होल की कटिंग होती है वो ब्रेस्ट के हिसाब से होती है। जितनी भी हमारी ब्रेस्ट होती है उसको हमने 4 से डिवाइड करना होता है। तो जो मैं ये तैयार कर रही हूँ बाजू, इसकी ब्रेस्ट है जो वो 39 इंच है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा और उसमें 1/2 इंच हम और कम करेंगे तो 9.5। और ये 5.5 इंच जो मोरी की गुलाई हमने ली थी, इस निशान को इससे मिलाना है हमने, जो हमने 3 इंच डाउन किया था। और यहाँ से ये बंद साइड जो आर्म होल के, इधर से 2.5 इंच तक हमने बिल्कुल गुलाई नहीं लेनी, 2.5 इंच पे हमने सीधा निशान लगाना है और उसके बाद हमने गुलाई करनी है बाजू की। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो है ये फिटिंग का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब हमने जैसे जैसे निशान लगाए हैं उसी तरह ही हमने कटिंग करनी है। अब ये जो फ्रंट 2 लेयर हैं इसकी हमने 1/2 या 1/4 इंच की कटाई करनी है। फ्रंट 2 लेयर की हमने गुलाई देनी है 1/2 इंच की। बाजू की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।